Good morning, everyone. Now we have moved our next chapter. Keys on the keyboard, right? Keys on the keyboard. In the last chapters, we have discussed about the keyboard, right? But in this chapter, we have read more about the keyboard in detail, okay? Keyboard. It has many keys on the keyboard. It is a typing device. इसमें बहुत सारी keys होती हैं, बहुत सारे buttons होते हैं छोटे-छोटे, जिसको हम कहते हैं keyboard. It's called a keys. ठीक है? ये एक typing device होता है. इसके through हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं. जैसे कि we use a pencil to write on a paper. हमें पेंसिल की नीड पड़ती है पेपर पर लिखने के लिए. लाइक द सेम वे यू नीड अ कीबोर्ड टू राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, हम लोगों को जिस तरीके से पेंसिल की नीड पड़ती है पेपर पर लिखने के लिए, उसी तरीके से हमें कीबोर्ड की नीड पड़ती है मॉनिटर पर लिखने के लिए. ओके, उस चीज को, कोई भी कैरेक्टर, नंबर, अल्फाबेट को डिस्प्ले कराने के लिए हमें कीबोर्ड की नीड पड़ती है. इसको हम टाइपिंग डिवाइस बोलते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स अस टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर. इट हेल्प्स, ये हमें हेल्प करता है टाइप करने में कंप्यूटर पर. ठीक है, वी प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड टू टाइप. हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी चीज बटन प्रेस करते हैं तो ये हमें कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं. यू कैन टाइप अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स. हम इसके थ्रू ये सब चीजें टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स. ठीक है, बाय प्रेसिंग दीज कीज, वट एवर यू प्रेस अ की, द सेम कैरेक्टर इज टाइप्ड एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. वो सेम कैरेक्टर आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा. ठीक है, कीज ऑन द कीबोर्ड. A keyboard consists of 101 to 104 keys. इसमें maximum 101 से लेके 104 keys होती हैं. These keys are divided into three categories. First, alphabet categories. ठीक है, alphabet keys किसको बोलते हैं? जो letters होते हैं, जो letters हमारे A to Z होते हैं, उनको हम alphabet keys बोलते हैं. Second, ये 26 होती हैं. ठीक है, अल्फाबेट कीज 26 होती हैं. सेकंड, नंबर कीज. नंबर कीज क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके नंबर कीज होते हैं और ये 10 होते हैं. 1 to 9 plus 0, जीरो भी नंबर में ही आता है ना, तो ये 10 टोटल नंबर ऑफ कीज होती है नंबर की 10. थर्ड है स्पेशल कीज. स्पेशल कीज किसको बोलते हैं? एंटर की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, डिलीट की, कैप्स लॉक की, ये हमारी होती हैं स्पेशल कीज. ओके, लेट्स लर्न अबाउट द कीज ऑन द कीबोर्ड. अल्फाबेट कीज, इनको हम लेटर कीज भी बोलते हैं. ठीक है, अल्फाबेट ए टू जेड होता है तो उन्हें हम लेटर्स बोलते हैं ना, दैट्स व्हाई. द कीज ऑन विच ए टू जेड लेटर आर रिटन आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज. ओके, देयर आर 26 अल्फाबेट्स keys. ठीक है, there are 26 alphabet keys. They are used to type words and sentences. इससे हम words और sentences को type कर सकते हैं. आप अपना नाम type कर सकते हो, आप लिख सकते हो Ashwin is a good boy, Ashwin is a 6-year-old, कुछ भी आप अपना नाम type कर सकते हो वो word. ठीक है, जो कि हम alphabet की अल्फाबेट कीज की हेल्प से करते हैं. नंबर की, द कीज हैविंग नंबर 0 to 9 ऑन देम आर कॉल्ड नंबर कीज. नंबर कीज हेल्प टू यू टू टाइप नंबर्स. ये हमें मदद करता है नंबर्स को टाइप करने में. दे आर एट टू प्लेस ऑन द कीबोर्ड एज मेंशन. जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये दो जगह होता है.
ऑन टॉप ऑफ द अल्फाबेट की, जहाँ अल्फाबेट की होती है उसके जस्ट ऊपर, ऑन द राइट साइड एक कीबोर्ड, ऑन द न्यूमेरिकल पैड, कीबोर्ड के साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड में हमें न्यूमेरिकल पैड दिया होता है, वो होता है नंबर की, ठीक है, स्पेशल की। अब स्पेशल कीज क्या होती हैं? देयर आर सम स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड, वी डू इम्पोर्टेंट टास्क विद दैम। हम इसके थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। सबसे लंबी की अगर आपको कीबोर्ड में दिखती है तो वो सिर्फ एक स्पेस बार की होती है, और इसकी मदद से हम क्या वर्क कर सकते हैं, दो लेटर वर्ड्स या सेंटेंसेस के बीच में हम गैप दे सकते हैं स्पेस बार की मदद से। ये स्पेस देने के लिए हेल्प करता है, इट इज यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस, खाली स्पेस देने के लिए काम करता है बिटवीन टू लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स एंड वर्ड्स। ओके, एंटर की, वी यूज द एंटर की टू मूव द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का यूज हम नेक्स्ट लाइन में आने के लिए करते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है आई एम अ गुड गर्ल, मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैं एंटर की प्रेस करके लिखूंगी आई एम 6 year old। ओके, दिस की इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की, इसको हम रिटर्न की भी बोलते हैं। दे आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड, ये दो जगह होती है कीबोर्ड में, एक तो न्यूमेरिकल पैड के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ओके, एरो की, कीज विद एरो ऑन देम आर कॉल्ड एरो कीज। दे आर फोर कीज on a keyboard, they help us to move up, down and left, right, okay? इसकी मदद से हम कर्सर को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे राइट में लेफ्ट में। ओके, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि अगर मुझे अपने कर्सर को सबसे फर्स्ट लाइन में लाना है, मेरे पास चार लाइनें टाइप है, सबसे नीचे वाली लाइन में कर्सर है, मुझे उसको मूव करना है ऊपर की साइड, तो मैं अपर एरो को यूज करूंगी नेक्स्ट ऊपर वाली लाइन में आने के लिए। मुझे उसके नेक्स्ट लाइन में लाना है तो मैं नीचे वाला डाउन एरो को प्रेस करूंगी। राइट में किसी वर्ड पर लाना है तो मैं राइट एरो को प्रेस करूंगी, एंड लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगी। दीज आर कॉल्ड एरो कीज। ओके, कैप्स लॉक कीज, व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक एक ग्रीन और रेड लाइट विल अपीयर ऑन द कीबोर्ड। आपको कैप्स लॉक की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेटर को आप कैपिटल में कर सकते हो अगर आप उसको ऑन करते हो तो। कैप्स लॉक का काम होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखना, तो जब भी आप इसको प्रेस करते हो तो या तो आपके लैपटॉप में ग्रीन बटन ग्रीन लाइट शो होगी या रेड लाइट। ओके, तो जब वो ऑन हो जाएगा तब ये लाइट आपको शो करेगी। तो जब आपका कैप्स लॉक ऑन होता है इट मींस कि आप अपने लेटर्स को कैपिटल में कर सकते हो। व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑन द लेटर विल वी टाइप अपेयर एज कैपिटल लेटर। आप जब फिर लेटर टाइप करोगे तो वो आपको कैपिटल में दिखेंगे। When you press the caps lock key again, the lights turn off. बंद हो जाएंगी, it means that is caps lock is off. ठीक है? When the caps lock key is off, the letter will type appear as a small letter. जब आप इसको टाइप करोगे फिर अगेन ऑफ करने के बाद तो वह स्मॉल में आपको दिखेगा, आपको डिस्प्ले स्मॉल में होगा। ओके, शिफ्ट की, there are two shift key on the keyboard. It is used along with other keys. ठीक है, many keys have two symbols on them, one on the lower part and one of the upper part. The shift key is used to type the upper part of the key. It is also used to type in small or capital letter. जब आपका caps lock on है और आपको कोई एक लेटर या वर्ड स्मॉल में करना है तो आप क्या करोगे, अगर शिफ्ट प्रेस करते हो और देन वो लेटर आप टाइप करते हो तो वह स्मॉल में हो जाएगा। उसी तरीके से जब आपका कैप्स लॉक ऑफ होता है तब शिफ्ट की को प्रेस करोगे कोई भी लेटर तो वो कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक की का हमारा दो दो काम होते हैं, टू टू वर्क होते हैं। जैसे आप कैप्स लॉक की को अगर ऑन करोगे
तो वो कैपिटल लेटर टाइप करेगा, और ऑफ करोगे तो वो स्मॉल। तो सेम शिफ्ट की अगर कैपिटल लेटर और कैप्स लॉक आपका ऑन है तो शिफ्ट की से स्मॉल बटन प्रेस होगा, अगर कैप्स लॉक की आपकी ऑफ है तो ये कैपिटल लेटर प्रेस करेगा। ओके, बैक स्पेस की का क्या वर्क होता है? वी यूज द बैक स्पेस की टू रेज दैट वी हैव टाइप कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों का वर्क सेम होता है, ये दोनों ही चीजें डिलीट करती हैं आपका गलत वर्ड या गलत सेंटेंस को लिखने के लिए। पर बैक स्पेस की ओनली ऑन राइट लेफ्ट साइड के वर्ड्स और सेंटेंसेस को डिलीट करने के लिए यूज होता है, और डिलीट की राइट साइड के वर्ड और लेटर को डिलीट करने के लिए यूज होता है। यूज द बैक स्पेस की टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड कुछ गलत होता है तब हम बैक स्पेस की अगर प्रेस करते हैं तो वो चीज इरेज जाती है। एंड डिलीट की वी यूज द डिलीट की टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप कैरेक्टर टू द राइट साइड। ओनली राइट साइड के रॉन्ग वर्ड्स और लेटर्स को डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज होता है। थैंक यू एंड से बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।